नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपके मन में एक जरूर प्रश्न आया होगा कि आखिर हम अपने मोबाइल के ऐप को अपडेट क्यों करते हैं, या आपसे इस प्रकार के प्रश्न किसी ने पूछा होगा। तो आज की वीडियो में हम इस प्रश्न का जवाब देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों क्या होता है कि जब कोई ऐप की कंपनी होती है जिसने ये ऐप डेवलप किया है, बनाया है और जिसे आप इंस्टॉल किए हैं, तो क्या होता है दोस्तों, जब ऐप की जो मालिक होती है, डेवलपर कंपनी होती है, वो ऐप में चेंजेस करती है और चेंजेस करने के बाद उसे प्ले स्टोर में पब्लिश कर देती है, अपडेट कर देती है, और आप यदि उस ऐप को अपडेट नहीं करती है तो जो कंपनी के द्वारा या डेवलपर के द्वारा जो चेंजेस हुए हैं वो आपके ऐप के अंदर एक्टिव नहीं हो पाते। सपोज करो फेसबुक का एक ऐप है, फेसबुक के ऐप पर फेसबुक कंपनी ने कुछ अपडेट किए हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड अपडेट किए हैं, प्राइवेसी से रिलेटेड अपडेट किए हैं, और कुछ टूल और फंक्शन एक्टिवेट ऐड किए हैं, ठीक है, और एक्टिवेट करके उसे प्ले स्टोर पर अपडेट कर दिया है। अब दोस्तों आप फेसबुक यूज कर रहे हैं और आपने ऐप को अपडेट नहीं किया है, तो इस कंडीशन में फेसबुक कंपनी द्वारा किए गए चेंजेस आपके उस ऐप में एक्टिव नहीं हो पाते। एक्टिव करने के लिए आपको अपने ऐप को अपडेट करना ज़रूरी हो जाता है, जिससे जो फेसबुक द्वारा चेंजेस होते हैं वो आपके उस ऐप में भी अपडेट करने के बाद आ जाते हैं। तो दोस्तों ये थी अपडेट से रिलेटेड। तो दोस्तों इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।